2024 की चुनावी रणभूमि में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं। पहली बार सियासी तरकश से शब्द बाढ़ चलाए और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर चुभने वाले प्रहार किए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मींस ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। ऐसे में सुलगती हुई सियासत के बीच मोदी सरकार को लेकर क्या सोचते हैं मुसलमान, यही जानने TV9 भारतवर्ष संवाददाता रवि मिश्रा महाराष्ट्र के सांगली पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मोदी और भाईजान के अपने आज के इस अंक में हम मौजूद हैं सांगली में। इस वक्त हम खड़े हैं सांगली के राजवाड़ा चौक पे। राजवाड़ा चौक बहुत ही फेमस है और बताया जाता है कि यहाँ के जो महाराजा थे जिन्होंने सांगली को बसाया, उन्हीं की प्रतिमा यहाँ पर है, उन्हीं की याद में इस चौक को बसाया गया। लेकिन हमारा मकसद ये है कि सांगली में हम यहाँ के मुस्लिम समाज के बीच, यहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच जाएं और वही सवाल उनके सामने रखें कि नरेंद्र मोदी को लेकर वो क्या सोचते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे बसे सांगली की पहचान एशिया में हल्दी और अंगूर के सबसे बड़े बाजार के तौर पर दर्ज है। सवाल है 2024 में यहाँ के भाईजान किसकी राजनीतिक लड़ाई का स्वाद खट्टा करने वाले हैं और मोदी के बारे में मुस्लिमों के बीच कैसी चर्चा है। तो इस वक्त हम सांगली में मौजूद हैं और देखिए हमारे साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके कामकाज को लेकर कि आखिर वो कैसे 2014 से अब तक के उनके कामकाज को, उनकी नीतियों को और उनका जो नज़रिया रहा है विकास को लेकर उसको वो देखते हैं, परखते हैं, क्या कहना है उनका, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लगता है कि इसमें और काम होने की ज़रूरत है या और बेहतर हो सकता है। ये तमाम मुद्दे विषय रखेंगे, हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इन्हीं विषयों पर। सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही रख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही इस पद पर हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अब तक के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर आप कैसे उनको आंकते हैं? नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका कार्यकाल बहुत ही संतुष्टजनक रहा है, इस देश को प्रगति पर ले जा रहे हैं। उनका कोई भी काम है एक जाति के लिए नहीं, वो यही चाह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता का विकास हो जाए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत कर नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके काम से पूर्ण संतुष्ट हैं। कुछ ऐसा बताइए जो आपको लगता हो कि ये काम हुआ है और इससे खासकर मुस्लिम तबके को बहुत लाभ हुआ है, ये नीति मुस्लिम तबके को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है, उनके भविष्य को ठीक करने वाली है, कुछ उदाहरण तो आप देंगे ना? जो भी उन्होंने योजनाएं लाई है, जो गृह योजना थी, तो किसी जाति के लिए नहीं लाई, सबके लिए लाई और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका लाभ पहुंचा है वो मुस्लिम समाज को ही पहुंचा है। देश के राजनीति में मुस्लिम समाज को पिछले 2014 से पीछे के जो कार्यकाल में कांग्रेस ने एक मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लोगों के घर के अंदर जाके उनको क्या कमियां हैं ये कभी देखने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों मुसलमानों ने जिनके पास घर नहीं थे वो योजना के अंतर्गत करोड़ों मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से घर मिल गए हैं। आपका नाम क्या है? कयूम शेख। तो कयूम शेख, क्या कयूम शेख नाम देख के किसी योजना से आपको बाहर कर दिया जाता है? नहीं 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 है। कोई लाभ आपको कहे थे कि नहीं आप कयूम शेख हैं इसलिए नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, कोरोना में वैक्सीन आपको नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये सब बात कहाँ से आती है कि पक्ष विरोधी पक्ष झूठ बोल रहे हो? वो जो जो कांग्रेस है, राष्ट्र जो आगड़ी था ना, वो सब झूठ बोल रहे हैं। मोदी सरकार जो आए तब से मुस्लिम समाज को बहुत योजना मिल रही है। क्या इनकी बात से सहमत हैं कि जो निचला तबका है मुस्लिम समाज का उस तक भी पहुंचने की कोशिश मोदी सरकार ने की है, वहां तक भी निचले तबके गरीब मुस्लिमों तक भी पहुंचने का कोई प्रयास दिखाई दे रहा है आपको? सांगली की ही बात कर लीजिए, यहाँ पर हालत ऐसी थी कि बीजेपी के ऑफिस में जाने के लिए भी घबराते थे लोग। अच्छा, ऐसा क्यों? पहले हालत थी ऐसी। अच्छा, लेकिन आज हालत वो नहीं है ना। ये तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों के मन में डर बिठाया गया था क्या? कुछ पहले डर था। देखिए महिलाएं भी जुड़ी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक एक अहम सवाल जो है आपसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो बात हो रही थी कि योजनाओं का लाभ पहुँच रहा, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, उस तबके को क्या लाभ मिला है? नरेंद्र मोदी जी तो बातें बहुत सारी उन्होंने की,
कि हम उज्ज्वला योजना लेकर आ रहे हैं, ट्रिपल तलाक का जो एक दंश था उससे हम महिलाओं को आज़ाद कर रहे हैं, उनको बराबरी का हक दे रहे हैं। आपको लग रहा है क्या सांगली में आप लोगों को इसका कुछ फ़ायदा दिख रहा है? ज़रूर हो रहा है, क्योंकि अभी आपने ही बोला कि उज्ज्वला गैस योजना है, ये बात कही जाती है सरकार की तरफ से, वही तो बोल रही हूँ। बहुत सारे महिलाओं को यानी अभी सांगली में कुपवाड़ के 90% महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ हुआ है, क्यों जो गोर गरीब लोग हैं वो नहीं ले सकते थे, चूल्हे पर ये करते थे जो अपना खाना बनाते थे, वो अभी जिसके उसके सभी के घर में गैस है। मोदी सरकार ने आप हमारे तीन तलाक की जो मंजूरी की है वो बहुत अच्छा काम किया है, वो भी कैसे इसका तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो हमारे इस्लाम में दखल है, कोई सरकार नहीं कर सकती है। तो वो औरत जो ना इंसाफी का काम होता है ना, वो इंसाफ से होता है ना, जो औरत को जो उसको कोई सहारा नहीं मिलता है तो कुछ तो मिलता है ना सरकार तरफ से, मतलब उनका कोई नियम तो होता है, औरत को भी कानून के सामने बराबर हक मिलना चाहिए, ये सरकार कह रही है। आप इसे सहमत हैं? उनका यही सही है कि औरत को भी उनका बराबर हक मिलना चाहिए, इतना सब हो के फिर भी तीन तलाक की क्यों झूरेगी वो औरत, फिर वो कुछ तो उसका हक होना चाहिए ना, उनके बराबर चलना चाहिए ना, इसलिए सरकार ने जो कर मतलब कानून का समान सामने मर्द हो औरत हो बराबर हो बराबर। लेकिन हमने कई पार्टियों कई नेताओं को सुना, महाराष्ट्र में हमने ओवैसी साहब को भी सुना, वो कह रहे हैं कि ये हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, ये आज़ादी दी जा रही है कि छीनी जा रही है? नहीं नहीं, सही बात तो आज़ादी दी जा रही, मतलब हाँ। जो एक इंसान आदमी के बराबर औरत को भी एक समानता मिलनी चाहिए, संविधान में तो है, है लेकिन एक शरीयत के हिसाब से हमको भी अब मतलब जी गवर्नमेंट की तरफ से ट्रिपल तलाक का ये जो नियम सरकार ने लागू किया है तो इससे हम पूरी तरह सहमत हैं। महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ गया कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ दूसरे दलों के या समर्थकों से या अलग लोगों से भी जो नरेंद्र मोदी की नीतियों को पसंद नहीं कर रहे हैं, और उनका बड़ा आरोप है कि 2014 के बाद मुसलमान इस देश का महाराष्ट्र का असुरक्षित हो गया, 2014 के पहले बहुत सेफ था, ऐसा है क्या? आपको डर लगता है क्या? नहीं वैसा कुछ डर नहीं लगता, सही है। अभी ये बात क्यों कही जा रही है? बात अभी ये कांग्रेस नेते और बड़े बड़े ये लोगों ने ये बना रहे हैं, डराया जा रहा है, जा रहा है, इसलिए वो 14 के पहले डराया नहीं जाता, नहीं जाता था। 14 के पहले एक माहौल बनाया गया है कि 14 के पहले भारत में लोग सुरक्षित थे और उसमें अल्पसंख्यक सुरक्षित, मुस्लिम की बात हो रही है, मुस्लिम की बात, मुस्लिम लोग सुरक्षित थे। तो मैं उल्टी बात कहूंगा कि 14 के बाद मुस्लिम समाज के अंदर जो भय था, जो इनसिक्योरिटी थी, वो पूरी खत्म हो गई है। अभी एक करंट मुद्दा भी महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर चल रहा है कि समान नागरिक कायदा सिविल कोड के बारे में चल रहा है, तो इस बारे में भी कांग्रेस और विरोधक अल्पसंख्यक समाज को घेर रहे, उनको डरा रहे, धमका रहे कि देखो अभी नागरिकता कानून आएगा देश में और वापस से आपको दाढ़ी टोपी फलाना धमका ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, नमाज बंद हो जाएगी, बुर्का बंद हो जाएगा, हिजाब बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे है? मतलब एक चीज बताइए मुझे कि जैसे मैं कह रहा हूँ शरिया की बात आ जाती है या धर्म की बात आ जाती है, इस नाम पे बड़ी आसानी से लोगों को कैसे बरगला दिया जाता है? क्या मुस्लिम समाज को इस तरीके से बरगला लेना इतना आसान है किसी नेता के लिए? आज तक आसान था, मगर आज का युवा जागरूक हुआ है, मोदी जी के साथ वो कदम पर कदम खड़ा, मोदी जी ने ये विश्वास दिलाया है कि मैं जो भी काम करूंगा मेरे तमाम देशवासियों के लिए काम करूंगा, मेरा कोई एक ही समाज को लेकर भेदभाव करना ये एजेंडा ही नहीं, उनकी टैग लाइन ही है, पहले से बता रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अरब वर्ल्ड में जाते हैं नरेंद्र मोदी, उनका स्वागत होता है, यहाँ सांगली के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मतलब सऊदी में जा रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं, मुस्लिम देशों से भारत की करीबी बढ़ रही है, तो इसको आप कैसे अच्छे नज़र से? यानी हम अच्छे नज़र से देखते हैं और हमारी कॉलर ऊँची हो जा रही है। आप क्या इससे सहमत हैं? सहमत ये कह रहे हैं कि हम इसको अच्छे नज़र से देखते हैं, आज वर्ल्ड में मुस्लिमों का नाम रोशन कर दिया। आज देश का इतना ताकतवर नेता जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी है, उनको कॉन्फ्रेंस में मिलने के लिए जो बाइडेन खुद चल के आते हैं, हमारे भारत के लोगों के लिए भारतीय करके बहुत सम्मान की बात है। कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री का सम्मान है, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, प्रधानमंत्री का सम्मान है तो पूरे देश का सम्मान है। मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए लाई है यहाँ पे, जैसे की सुकन्या योजना है, मातृत्व योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है, इसमें से बहुत सारी महिलाएं सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित मान रही है। एक विषय ऐसा है जिस पर मुझे लगता है बातचीत करनी चाहिए, वो है समान आचार संहिता का यूसीसी का, जिसको लेकर इस वक्त बहस भी चल रही है। चलिए आपसे ही इस मुद्दे की शुरुआत कर, दिक्कत क्या है इसमें? कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, सबको सर। शादी ब्याह का कानून एक जैसा हो जाए, प्रॉपर्टी का कानून एक जैसा हो जाए, तो इसमें क्या दिक्कत? अच्छा है ना, उल्टा अच्छा कर रहे हैं मोदी जी ने, मोदी अच्छा कर रहे हैं।
वो गलत बता रहे हो कांग्रेस सरकार। कई नेता हैं जो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के नेता, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे शरिया से छेड़छाड़। जो बोल रहे हैं वो समाज के ठेकेदार नहीं है, नहीं है। ये समाज के अंदर हम लोग अपनी राय रख रहे हैं। ये आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि सीए और एनआरसी के बारे में भी ऐसी बातें छिड़ी गई थी। अभी नागरिकता संशोधन के ऊपर, नागरिक समान नागरिक कायदा के ऊपर भी ऐसे मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। ये बताइए मुझे, कानून या नीतियों या योजनाओं से ज्यादा दिक्कत है या मोदी एज एन इंडिविजुअल से ज्यादा दिक्कत है? मोदी के प्रति जो मुस्लिम समाज का जो बढ़ता हुआ प्यार है, हाँ। इससे उनको दिक्कत है। 14 से लेके 19 के अंदर आप महाराष्ट्र के अंदर की राजनीति देखेंगे तो एक सिंगल दंगा महाराष्ट्र के अंदर नहीं हुआ। पिछले 19 से लेके 22 तक जो सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, 3 जिलों के अंदर दंगल हो गई, कुछ लोग उसमें इंजर हो गए। आज महाराष्ट्र के यही तो आरोप लगता है कि बीजेपी जब सत्ता से बाहर रहती है तो दंगे कराती है। नहीं ना, नहीं ना, ये तो उनका राजनीतिक पॉलिटिकल मुद्दा है। 60 साल उनका ही सत्ता था, लेकिन उस टाइम हमेशा ही दंगा रहता ही था। 2014 से पहले हज कमेटी का एक मुस्लिम समाज में पवित्र यात्रा मानी जाती है हज को जाने, हाँ। के लिए ये उसका कोटा सिर्फ 1 लाख का था, हाँ। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसका कोटा बढ़ाकर 2.25 लाख किया। अगर मोदी जी कर भी रहे हैं जो पवित्र यात्रा है हमारी, उसके लिए जाने के लिए जितना कोटा चाहिए था उससे बढ़ाकर हमको लाकर मुस्लिम समाज को, और रेट भी कमी कर मुस्लिम समाज को जो है वहां जाने के लिए सहूलतें पैदा करें। जैसे चुनाव प्रचार जब चलता था, हाँ। 2014 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बहुत कई पार्टियों ने कहा कि अगर ये सत्ता में आ गए तो मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाएगा, मुसलमानों के लिए ये हो जाएगा वो, जो हमने भी सुना था और आरोप लगते थे। फिर वो लोग बीजेपी जवाब भी देती थी, नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में कहते थे। लेकिन 2014 से अब 24 आने को है, 10 साल होने को है, वो जो बात कही जा रही थी वो कहीं भी आपको नज़र आई क्या? नहीं 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 आई, नहीं आई हमको। क्यों नहीं आई उसको मैं कारण देता हूँ। हमारे लोग खौफ ज़्यादा क्यों आए? हमारे लोग खौफ ज़्यादा इसलिए आए कि बीजेपी के आड़ में रहकर, बीजेपी के साय में रहकर कुछ गलत मसले समाज में फैलाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ फैलाते हैं, जिसके वजह से क्या लगता है कि इनको बीजेपी का सपोर्ट है। एक सवाल जो है, अब हम चूंकि आ रहे हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में, 2024 में मोदी के खिलाफ कौन, क्या लग रहा है आपको? मोदी के खिलाफ अभी तो कोई, मोदी जी के खिलाफ इतने, इतना बड़ा इंडिया नाम का गठबंधन बन गया, बन गया, लेकिन वो कब बिगड़ जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा क्यों लगता है भाई? वो तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, राहुल गांधी ने यात्रा कर ली और बहुत कुछ हो गया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी की छवि जो है वो अभी भारतवर्ष के बाहर भी, हाँ। पूरे प्रदेश में भी मोदी जी की छवि बहुत बड़ी हो गई है, और इसके कारण ये प्रदेश में अभी USA में गए थे, बीच में इजिप्ट में गए थे, फ्रांस में गए थे, सभी जगहों पर जिस तरीके का स्वागत हुआ है, और ख़ास तौर पर UAE में जाने के बाद वहाँ पर भी जो स्वागत हुआ है मोदी जी का, ये काबिले तारीफ है। इतनी बड़ी खिचड़ी बन रही, इतना एक महागठबंधन बन रहा है, लेकिन उसके अंदर वो उसके मोदी जी के विरुद्ध में एक चेहरा नहीं ढूंढ पा रहे, उसके ऊपर एकमत नहीं हो पा रहा है, तो इनके अंतरूनी लड़ाई इतनी बड़ी है कि ये मोदी जी के सामने टिक नहीं पाएंगे। कैसा है, जिस दिन चेहरा देंगे उस दिन ये बिखर जाएंगे। अच्छा, ऐसा है, इसलिए बिना चेहरे की ये लड़ाई। बड़ी समस्या है एकता की, एकता ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं। उनके में एकता ही नहीं है, वो चेहरा ही, उनके कद का कोई आदमी अभी वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि पूरा भारत जो है NDA के खिलाफ लड़ेगा, वो इंडिया लड़ेगा, वो कह रहे हैं देश मोदी जी। आप जो बोल रहे हैं इंडिया का गठबंधन है, वो इंडिया का गठबंधन ही मोदी जी को जिताएगा। अच्छा, वो 400 सीट से आगे जाएगा मोदी जी, उनके लिए 400 तो मोदी जी ने भी अभी तक नहीं बोला, आपने बोल दिया। वो इसलिए ना, इंडिया का गठबंधन ही उनको जिताएगा। मोदी सरकार आएगी, हाँ आएगी, और सब मुसलमान लोग उनके पीछे रहेंगे। ऐसा क्यों आपको लगता है? मोदी जी ये सरकार आने के बाद मुसलमान को, लोग का बहुत फायदा हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, सही बात है। 2024 में मोदी आएगा, कोई नहीं है टक्कर में, नहीं है, नहीं। अभी इनके सीट, इनके सीट मेरे को इधर टिकट उधर टिकट, इसके झगड़े में जो इनके सीट गिरने वाले हैं। तो मतलब मुस्लिम समाज भी एक मजबूत नेतृत्व की तरफ देखना चाहता है, देखना चाहता है, अपना विकास चाहता है वो, हाँ। शांतिपूर्ण तरीके से हो, विकास कौन सत्ता में आने के बाद कर सकता है वो अभी हमारा युवा अच्छे तरह जान रहा है। 24 को लेकर कहेंगे कि एक मोदी जी की लड़ाई नहीं, हम सब मैं मोदी बन के लड़ाई लड़ेंगे और बड़ी मात्रा से जीतेंगे, हर मुस्लिम समाज भी पूरी मात्रा से उनके पीछे रहेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पूरी मुस्लिम समाज उनके पीछे रहेगी। फिर एक बार मोदी सरकार, 2024 के लिए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार आएगा और सब मुस्लिम लोग भी उनके पीछे रहेंगे। ऐसा क्यों करें? इतने सारे नेता हैं महाराष्ट्र से लेके देश में, सब लोग कह रहे हैं कि हम आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करेंगे,
फिर भी मोदी क्यों? मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं लाई है, उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, नहीं तो और कौन से जात धर्म का है, तो सभी लोगों के लिए उन्होंने योजना लाई है। आप कुछ कहना चाहेंगे 2024? सब लोग बोलते हैं करते हैं करके, पर मोदी जैसा नहीं करते। कुछ कहना चाहेंगे? आप बता रहे थे कि 2024 में तो मोदी जी आएंगे, क्योंकि कैसे महिला सक्षमीकरण, स्वावलंबी महिला, उसमें कैसे कि अपने बीजेपी पार्टी में 30% महिला को आरक्षण है,